उत्पत्ति अध्याय 45। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करते समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और भी ऐसे ही होंगे कि उसमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब तुम मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे संग हैं सो भूखो मरे, और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामिन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है, और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। और वह अपने भाई बिन्यामिन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामिन भी उसके गले से लिपट कर रोया। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामिन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है,
अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं में से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। फिर मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा।